के केदारनाथ से बड़ी खबर है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फटा है बादल। इस घटना के बाद कई तीर्थयात्री वहां फंस गए। भारी बारिश की वजह से पैदल मार्ग का 30 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। केदारनाथ के लिंचौली इलाके की घटना है जहां बादल फटा। भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। वहीं मंदाकिनी नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई। तेज बारिश के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली। हरिद्वार, केदारनाथ, अल्मोड़ा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी अभी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मकान काफी पुराना था, भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिर पड़ा। जिनका नुकसान हुआ है, फिलहाल थोड़ी राहत हम लोगों ने उनको दी है, और जिसमें खाने पीने का सामान इत्यादि हम लोगों ने उनको कराया है। वहीं केदारनाथ में भीम बली के गदेरे में भारी बारिश के बाद बादल फटने से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल इस मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। हरिद्वार में भी जमकर बारिश हुई। शहर के मुख्य चौराहे थोड़ी देर की बारिश में पूरी तरह डूब गए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। वहीं सुखी नदी पर एक और खौफनाक वीडियो सामने आया। तेज बारिश की वजह से कांवड़ियों का वाहन भी बह गया। राज्य में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून और नैनीताल जिले में पहले से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में बारिश के चलते घाघरा नदी का